वेलकम, मैं हूं रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख खान ने कटरीना से क्यों कहा आई लव यू। बड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स दिलवाने में यशराज कैसे कर रहा है अपनी एक्ट्रेसेस को फेवर। और दिखाएंगे रेखा आज कैसे सेलिब्रेट कर रही है अपना बर्थडे। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत किंग खान और कटरीना कैफ के सबसे लेटेस्ट किस्से से। अपनी अपकमिंग फिल्म के एक सॉन्ग को लॉन्च करने मीडिया के सामने आए ये दोनों स्टार्स, लेकिन इस इवेंट पर शाहरुख खान ने कटरीना को आई लव यू कहकर दे दिया एक अलग ही ट्विस्ट। क्या है किंग खान की इस नई शरारत की पूरी कहानी, जानने के लिए देखिए हमारी ये टॉप स्टोरी। आई लव यू कटरीना, आई लव यू कटरीना। एसआरके के मुंह से कटरीना के लिए निकली ये बात उनकी फिल्म का डायलॉग नहीं है तो क्या खुद किंग खान के दिल की बात है? आई लव यू कटरीना। वेल, इससे पहले कि अपनी फेमस स्टैमरिंग स्टाइल में कटरीना के लिए कही हुई शाहरुख खान की इस बात को कोई सीरियसली ले, आपको बता दें कि किंग खान ने कटरीना से जो भी कहा वो तो सिर्फ इसलिए कहा था कि जब तक है जहां के एक सॉन्ग के इस लॉन्च पर कटरीना इन पर्सन नहीं बल्कि शिकागो से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उनके साथ थी। उस पर कटरीना को इस सॉन्ग लॉन्च के इवेंट से लाइव कनेक्ट होने में इनिशियली हुई सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स। शाहरुख खान और पूरी मीडिया को तो कटरीना नजर आ रही थी, लेकिन कटरीना को शाहरुख खान नजर नहीं आए। बस फिर क्या था, किंग खान ने कैट्स को बता दिया कि उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। तेरी आंखों की नमकीन गुस्ताखियां। Now you know it's me? Yes, I know it's you. Do you want to share the story of that dubbing as well? No, I just want you to know it's me and you don't mistake. I love you, Katrina. कटरीना को अपनी पहचान बता दी तो फिर भला वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का सबूत दिए बिना मीडिया को कैसे छोड़ देते। और इसकी शुरुआत उन्होंने मीडिया को अपना सॉन्ग दिखाने के तुरंत बाद ही कर दी। पहली बार देखा था ये गाना यहाँ पे, ये वाला कट। तो मैं दोस्तों के साथ पीछे देख रहा था और मैं भी ये सोच रहा था कि इनको कोई कमरा दिला दो यार, छतों वतों पे घूम रहे हैं। अब खुद को कटरीना के साथ स्क्रीन पर देखकर शाहरुख ऐसा सोच रहे हैं तो फिर सलमान क्या सोचते होंगे, यही सोच रहे हैं ना आप? लेकिन सोचते सोचते इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो किंग खान का एक किंग साइज जोक था। ये जोक था, सीरियसली नहीं बोला है मैंने। ये सब मजाक में सही, पर शाहरुख खान ने और भी कई दूसरी बातें बोली हैं इस इवेंट पर जो शायद सीरियसली ही बोली होंगी, जिसमें से एक बात ये भी है कि शाहरुख खान ने अपनी सबसे इंटेंस रोमांटिक फिल्म्स की लिस्ट में अभी से जोड़ लिया है अपनी इस फिल्म का नाम और कटरीना को मान लिया है काजोल, रानी और माधुरी की लीक की एक्ट्रेस। I haven't done a romance for a long time of this caliber. Well, इतने लंबे अरसे के बाद शाहरुख खान की कोई रोमांटिक फिल्म आ रही है तो फिर इस रोमांटिक किंग की एज पर भी सवाल तो होना ही था। तो देखिए उम्र के तकाजे को कैसे किंग खान ने अपनी मीठी मीठी बातों से दरकिनार कर दिया। जिस लड़की के दिल को भाए मेरी उम्र, वही उम्र का मैं हूँ। लेकिन इसके बावजूद ना मीडिया ने क्वेश्चन करना छोड़ा और ना ही किंग खान ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाना। How old am I playing in the film? 40? You like older men? Not really. You like mature men. But I think you look 40, so yeah. Yeah, so it's okay. I'm still, I love you well even at 40. I love you well at 20. I love you whenever you say I love you very well, in the nice way. And I'm not flirting with you. ये भी फ्लर्टिंग नहीं है और इस इवेंट पर कटरीना को कही हुई शाहरुख खान की बातें भी फ्लर्टिंग नहीं है। पर अभी शाहरुख खान के फ्लर्टिंग की कहानी में बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त, जिसका सस्पेंस हम सबसे आखिर में खोलेंगे। पहले जरा ये देख लीजिए कि किंग खान सात समंदर पार बैठी कटरीना से अपनी तारीफ में कैसे नए नए एडजेक्टिव्स की डिमांड कर रहे थे। Wonderful. You're not picking on any of these, I'm noticing. I'm waiting to find one. None of the above. Okay, I won't embarrass you. लेकिन जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कटरीना और अनुष्का में से वो किसे अपने बाइक पर बिठाकर घुमाना चाहेंगे तो उन्होंने बात ही घुमा दी। मैं तो मोटरसाइकिल पर अकेला ही घूमता हूँ दोस्त, लड़कियों के लिए मेरे पास गाड़ी है। इसी स्टाइल पे तो लड़कियां मरती हैं यार। तू मोपेट लेके आ रहा लड़कियों को उठाने के लिए यार। वेल, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि इस इवेंट पर शाहरुख खान ने अपनी बातों की जो भी गुस्ताखियां की हैं वो शाहरुख खान के सेंस ऑफ ह्यूमर के अलावा कुछ नहीं। पर ये सवाल तो अब भी बिना जवाब के ही रह गया कि कटरीना को लेकर कहीं हुई ये बातें क्या किंग खान ने जानबूझकर कही। पहली बार देखा था ये गाना यहाँ पे, ये वाला कट। तो मैं दोस्तों के साथ पीछे देख रहा था और मैं भी ये सोच रहा था कि इनको कोई कमरा दिला दो यार।
छतों पे घूम रहे हैं क्योंकि आजकल फिल्म्स के फर्स्ट लुक और सॉन्ग लॉन्च इस इवेंट की ही तरह काफी टेक्नो सैवी होते जा रहे हैं और इन्हें थोड़ा स्पाइस अप करने के लिए कुछ तो मसाला चाहिए ही होता है ना। फिर कोई इस बात से एग्री करे या डिसएग्री। There are a lot of places where Katrina has very sweetly stopped me and said, you know what, can you try it like this? That is true. That is not true. I have never stopped the shot and said, can you try it like no, this? No, rehearsal. No. Okay, when we were reading the scene. No. Okay, let me just say a few things, Katrina. When I give a story of a film, even if I'm making it up, you're supposed to agree with it. Okay. Sorry. Because that's how we fool the media. Because that's how we fool the media. मीडिया के सामने क्या रिजल्ट रखना है, ये तो हमारे बॉलीवुड स्टार्स ने पहले ही डिसाइड कर रखा है। कोहली का श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। सलमान खान अपनी कार बेचना चाहते हैं। खरीदने के लिए क्रेजी फैंस की लाइन भी है, पर कोई है जो उन्हें अपनी एसयूवी बेचने से रोक रहा है। सलमान खान बेचना चाहते हैं अपनी एक पुरानी एसयूवी कार। उनके क्रेजी फैंस सलमान की इस कार पर ऊंची से ऊंची बोली लगाने के लिए भी तैयार है। बट सलमान की मजबूरी है कि वो अपनी इस कार को बेच नहीं सकते। जी हाँ, सलमान की ये कार जुड़ी है सलमान की लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट से जिसकी यादें सलमान पूरी तरह मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट है 2002 में हुआ उनका रोड एक्सीडेंट, जिसके बारे में खुद सलमान भी कई बार मीडिया में कबूल कर चुके हैं कि जब भी वो बांद्रा के उस रोड से गुजरते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उन्हें भरोसा नहीं होता कि उनकी कार से किसी की जान चली गई थी। लेकिन आज तक सलमान को इस बुरे सपने से आजादी नहीं मिल पाई है और रिसेंटली इस बुरे सपने को भुलाने की उनकी एक कोशिश लीगल ट्रबल की वजह से पूरी नहीं हो पाई। रिपोर्टेडली हाल ही में सलमान ने पक्का इरादा कर लिया था कि वो अपनी उस कार को बेच देंगे। कार सेल करने के लिए सलमान भाई को ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, लेकिन इससे पहले कि इस कार को सेल करने की डील पूरी हो पाती, कोर्ट ने उनकी इस डिमांड को खारिज कर दिया, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि इस केस में ये एक इम्पोर्टेंट एविडेंस है और इसे बेचा नहीं जा सकता। सलमान ने एक पिटिशन फाइल करके डिमांड की थी कि उन्हें अब इस कार की कोई जरूरत नहीं और इसलिए वो इस कार को बेचना चाहते हैं। 2002 में हुए इस एक्सीडेंट के बाद इस केस में कई उतार चढ़ाव आए। शुरुआत में इस केस में सलमान के खिलाफ सीरियस चार्जेस फाइल किए गए थे, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान पर लगे चार्जेस को कम कर दिया था। लेकिन एक बार फिर इस साल की शुरुआत में पुलिस ने इस मामले में सलमान के खिलाफ कुछ सीरियस चार्जेस लगाने के लिए कहा है और अब रिसेंटली सलमान को उनकी लैंड क्रूजर ना बेचने का फरमान सुनाकर कोर्ट ने अपना कड़ा रुख एक बार फिर से जाहिर कर दिया है। ऐसे में तो यही लग रहा है कि सलमान को अपने 2002 के एक्सीडेंट की डरावनी यादों से जल्दी छुटकारा मिल पाना फिलहाल मुश्किल ही है। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। वेटरन एक्ट्रेस रेखा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और इस ओकेशन पर Zoom सभी व्यूअर्स की तरफ से कर रहा है रेखा जी को बर्थडे विश। इन आंखों में छुपे हैं कई राज, इन आंखों में छुपे हैं कई सवाल, और जिसने भी इन सवालों का जवाब खोजा उसे हो गया इन आंखों से प्यार। 10th अक्टूबर 1954 को पैदा हुई भानु रेखा गणेशन इंडियन सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा है जिनकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाया और आने वाले दशकों में भी शायद कोई नहीं ले पाएगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही घर की गरीबी की वजह से फिल्मों में काम करने वाली रेखा की पर्सनल जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उन्हें इंडियन सिनेमा की मिस्ट्री लेडी भी कहा जाता है। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन फिर भी उनके घर सी स्प्रिंग्स बंगलो नंबर 2 बैंडस्टैंड बांद्रा में कोई हलचल नहीं है। अपनी पर्सनल जिंदगी के कई सवालों के जवाब खोजती फैंस और मीडिया से दूर रेखा आज भी अपने घर में ही है। रेखा जी की जिंदगी तन्हाई से भरी है। काफी वक्त से उन्होंने इंडियन सिनेमा में कोई रोल नहीं किया है, लेकिन फिर भी इंडियन ऑडियंस के दिलों में वो आज भी जिंदा है। 180 से भी ज्यादा फिल्मों के साथ बॉलीवुड में 40 साल से सबकी फेवरेट रेखा को उनके जन्मदिन पर Zoom की तरफ से हार्दिक बधाई।
ब्यूरो रिपोर्ट जूम मुंबई. Time to show you a special report. अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है बॉलीवुड की एक धमाकेदार पार्टी. इस पार्टी के होस्ट हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन. और जूम आपको बताने जा रहा है कि भले ही बिग बी कहते आ रहे हों कि उन्हें अपने 70th बर्थडे पार्टी के कोई भी डिटेल्स नहीं पता, क्योंकि जया बच्चन ने इस पार्टी को सीक्रेटली प्लान किया है, लेकिन सोर्सेस की माने तो ऐसा नहीं है. इस पार्टी की शुरुआत से अंत तक सारी बातें बिग बी को पता है. इस पार्टी का एंकर कब किसे स्टेज पर इन्वाइट करेगा, कौन सा स्टार देने जा रहा है कौन सी परफॉर्मेंस, ये सारी बातें बिग बी को पता है. और तो और हमें तो ये भी पता चला है कि बिग बी ने भी क्लियर कर दिया है कि उनका कोई गेस्ट आया हो या ना आया हो, पार्टी अपने तय वक्त यानी 8:30 PM पर ही शुरू हो जाएगी. वेल, ये तो था बिग बी के 70th बर्थडे पर होने वाली पार्टी का अब तक का अपडेट. और हमेशा की तरह जूम ही सबसे पहले आपके पास आएगा बाकी डिटेल्स लेकर. सो कीप वॉचिंग जूम. रिसेंटली डिनो ने जूम के साथ बिताया कुछ वक्त और ट्रैफिक रूल और सेफ ड्राइविंग को लेकर बताई अपने फैंस को कुछ जरूरी बातें. आप भी देखिए. आज डेट विद जूम में हमारे साथ में है एक्टर एंड प्रोड्यूसर डिनो मोरिया, जो आज हमें बताएंगे कि रोड सेफ्टी के कुछ टिप्स, गाड़ी चलाते वक्त आपको अपने किन चीजों किन बातों का ख्याल रखना है वो इस बारे में हमें बताने वाले. वेलकम टू जूम डिनो. थैंक यू वेरी मच. इस वक्त मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो आप जी जिस तरह से आपने शुरुआत कर दी है जी, ये मुझे बताइए कि गाड़ी चलाने के वक्त आप किन किन बातों का ख्याल रखते हैं. एक तो इंटरव्यू नहीं करना अगर आप गाड़ी चलाते हैं. नहीं, ये वैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग ये ड्राइव कर रहे हैं और हम इंटरव्यू इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये आप ही की सेफ्टी के लिए है और आप ही को दुनिया बताएंगे कि किन किन बातों का ख्याल रखना है. तो ये दिस इज फॉर यू. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जितने सारे रूल्स है सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए. अगर सिग्नल लाल है तो लाल बत्ती से पहला रुकना चाहिए. ऐसे लोग हैं जो मतलब लाल बत्ती से काफ़ी आगे आके बीच रास्ते में रोक देते हैं जी. वो अच्छा नहीं है क्योंकि बाकी जो ट्रैफिक है वो नहीं जा सकते. सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एज अ सिटीजन आपके एक सिविक सेंस होना चाहिए और सिविक सेंस होने के बाद आप सारे रूल्स को फॉलो कर सकते हैं. आप अपने लेन पे रहो, कटिंग मत करो. वैसे ज़्यादातर जो जहाँ तक मैंने देखा मोस्ट ऑफ द पीपल कट मोस्ट ऑफ द रिक्शाज और टैक्सी ड्राइवर्स जो हैं, अगर तीन लेन बन चुके हैं, ये लोग चौथा लेन या पांचवा लेन भी बना देते हैं. सो आई थिंक रूल्स, फॉलोइंग द रूल्स सबसे इंपॉर्टेंट. हाउ इज वर्किंग विद भट्ट कैंप, मतलब भट्ट कैंप के साथ ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन एज एन प्रोड्यूसर कितना एक्सपीरियंस कैसा रहा, डिफरेंट था? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा. इट वॉज डिफरेंट बिकॉज मेरे लिए भी नया था. मतलब जब मैं फिल्म एज एन एक्टर में शूट कर रहा था पिक्चर, सारी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ सेट पर क्या क्या होता है और लाइन प्रोड्यूसर से मैं हमेशा बात करते थे. और इस वक्त मैंने सब कुछ किया सेट पे, मतलब शूटिंग के दौरान सारे जो अगर कुछ हायर करना, किसी को पैसा देना, ये सारी चीज़ें मैंने खुद किया. तो भट्ट कैंप के ज़रिए मैंने काफ़ी कुछ सीखा क्योंकि दे नो हाउ टू मेक अ फिल्म विद इन अ गुड बजट. और बजट सबसे इम्पॉर्टेंट, कहानी आपकी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. And right up to the release, so I've learned a lot from this. एक experience से मैंने काफी कुछ सीखा. What about you and Vipash? मतलब अभी बीच में ऐसी खबर आपने पढ़ा होगा. I'm not, मैंने पेपर में पढ़ा तो I was like literally said, oh God, two friends और उनके बारे में इस तरह से लिंकअप की खबरें आ रही है. तो आपको पढ़ने के बाद what is your first reaction? लिंकअप की खबरें जो है वो एकदम गलत है. She's a close friend of mine यार. लेकिन लोग लिंकअप करेंगे क्योंकि हमारी जो पुरानी जो रिश्ता था and because of what I shared with her, तो लोग लिंकअप करेंगे ज़रूर, मगर वो मेरा खास दोस्त है. शी वेरी स्पेशल टू मी एंड आई नो आई एम स्पेशल टू हर. और ये हमेशा ऐसे ही. आपने उनकी फिल्म देखी? हमने आप दोनों को देखा था, आप दोनों ने साथ में उनकी फिल्म देखी जी. पिक्चर एंड आई एंजॉयड इट कम्प्लीटली एंड आई थॉट इट वाज फैबुलस. सो देयर इज नो प्रॉब्लम. दिस हमारी बीच में जो ये रिलेशनशिप है काफ़ी हेल्थी है. इट्स अ फैंटास्टिक. और आज की जो डेट भी आपके साथ थी दिनों, इट्स अ ड्राइव. आई एम अ लकी गर्ल जो मुझे इनके साथ, इतने हैंडसम एक्टर एंड प्रोड्यूसर के साथ मौका मिला उनके साथ ड्राइव करने का. बहुत बहुत शुक्रिया अपनी गाड़ी में हमें बिठाने के लिए, इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, हमें इतनी अच्छी ड्राइव देने के लिए. एंड आपको भी दिनों से मिलकर उनके साथ ही ड्राइव पर बहुत मजा आया होगा. कैमरा की और ये भी मत करिए कि गाड़ी चलाते वक्त इंटरव्यूज कभी नहीं करना. यस, बिल्कुल नहीं करना, लेकिन अगर हमने ये किया है तो आपकी सेफ्टी के लिए, आपको बताने के लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए. सही है. राइट. कैमरामैन प्रबोध के साथ सलमा खान, जूम मुंबई.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद दिखाएंगे बड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट डील्स दिलवाने में यशराज कैसे कर रहा है अपनी एक्ट्रेसेस को फेवर। यशराज में काम करना एक्ट्रेसेस के लिए क्यों होता है ड्रीम, इसका एक और एग्जांपल सामने आया है क्योंकि सुनने में आया है कि यशराज अपनी एक्ट्रेस को ब्रांड्स दिलवाने में भी कर रहा है हेल्प। बॉलीवुड में आज एक गॉडफादर कौन नहीं चाहता, और अगर गॉडफादर यशराज फिल्म्स जैसा हो तो इसके क्या कहने। आज यशराज फिल्म्स बॉलीवुड में यंग और टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए कामयाबी का दूसरा नाम बन गया है। चाहे इसके लिए आप अनुष्का शर्मा को देख लें, या रणवीर सिंह को, या फिर परिणीति चोपड़ा, आज ये सारे न्यू कमर्स बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन यशराज फिल्म्स अपने इन टैलेंट्स को बॉलीवुड में ही नहीं एड वर्ल्ड में भी एस्टैब्लिश करवाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जूम को पता चला है कि अनुष्का शर्मा को एक फेमस फेयरनेस क्रीम का फेस बनाने के बाद अब परिणीति चोपड़ा को भी इस ब्रांड के लिए यशराज फिल्म्स ने रेकमेंड किया है। और अगर आने वाले समय में आप इन दोनों यशराज एक्ट्रेसेस को एक साथ किसी एड में देख लें तो हैरान मत होइएगा। वैसे ये एक्ट्रेसेस भी खुले आम कबूल कर चुकी हैं कि यशराज फिल्म्स उनके लिए फैमिली से कम नहीं। सालों लग जाते हैं लोगों को जब और जैसे आप एक्टर बनते हैं आप हमेशा सोचते हैं कि एक दिन हम यश चोपड़ा की पिक्चर करेंगे, और मुझे तो एक साथ तीन यश चोपड़ा की पिक्चर मिल गई। Well, अब फिल्म में काम दिलवाने के साथ साथ अच्छे अच्छे हैवी प्राइस्ड एड्स भी दिलवा दें तो वो फैमिली क्या उससे भी बढ़कर बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल जूम लेकर आया है जूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/zoomtv पर आइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल जूम पल्स में। रिसेंटली जूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था हु इज किंग ऑफ रोमांस इन बॉलीवुड। इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में आई 10,300 एंट्रीज, जिसमें से 55% लोग शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस मानते हैं, 25% लोगों ने चुना है सलमान खान को, तो वहीं इस पोल में सिर्फ 7% लोगों की नज़र में आमिर खान है किंग ऑफ रोमांस। अगर आप भी इस पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। टाइम टू शो यू अ स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म बर्फी की झिलमिल प्रियंका चोपड़ा आज बिना कुछ कहे बस अपने नटखट और इंस्पिरेशन अंदाज से अपने जैसे हजारों ऑटिस्टिक पेशेंट्स की प्रेरणा बन गई है। और यही वजह है कि आज देश के हजारों एनजीओस प्रियंका चोपड़ा से एक ही गुजारिश कर रहे हैं कि वो बन जाए ऑटिस्टिक अवेयरनेस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर। फिल्म बर्फी की सक्सेस के बाद आज पीसी अपने इंटरनेशनल एल्बम और फिल्मी प्रोजेक्ट्स में बिजी होने के कारण इन एनजीओ से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन जूम को प्रियंका के करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक पीसी जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहती है ताकि वो ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों से मिल पाए और उनका हौसला बढ़ा पाए। बॉलीवुड में एक्टर्स अपनी लाइफ में एक या दो रोल ही ऐसे प्ले कर पाते हैं जो कि रियल लाइफ में भी एक मिसाल बन जाती है, और फिल्म बर्फी में प्रियंका का कैरेक्टर उनकी लाइफ के इन्हीं कुछ खास रोल्स में से एक है। और अब बस इन बच्चों की यही कामना है कि उनकी झिलमिल दीदी उनसे मिलने जल्द से जल्द आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। वेल, विद दिस इट्स अ रैप। वी विल बी बैक टुमारो विद मोर बॉलीवुड चूज। टिल देन कीप वॉचिंग जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।